नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के विकासखंड सुरियावां के सराय भाव सिंह ग्राम सभा में। ये ग्राम सभा का पंचायत भवन है और किस तरह से योजनाएं लोगों को मिल रही हैं इसकी पड़ताल करने के क्रम में आज हम यहां पर आए हुए हैं। यहां हम आपको दिखाएंगे कि पंचायत सहायक गायब हैं। हम यहां आए तो कुछ लोगों से पता चला कि पंचायत सहायक यहां आई तो थी लेकिन महज 15 से 20 मिनट में चली गई वापस। ये देख लीजिए, ये पंचायत सहायक का कमरा है रीता देवी, और यहाँ आपको दिखा दें कि देखिए ताला लगा हुआ है। ये स्थिति है योजनाओं की। लगातार हम पंचायत भवनों की पड़ताल कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ग्राम सभा में जो योजनाएं संचालित होती हैं वो इसी पंचायत भवन से संचालित होती हैं। पंचायत सचिवालय को सरकार की तरफ से मजबूत किया गया ताकि योजनाएं लोगों तक पहुंच सकें, लेकिन योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पंचायत भवन में भ्रष्टाचार है, इस बात को मैं बखूबी कह सकता हूं। इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां फर्श टूटना शुरू हो चुकी है। इसकी जांच होनी चाहिए। लाखों का फंड इसमें रिलीज हुआ होगा और किस तरह से काम कराया जा रहा है, ये कितने दिन पंचायत भवन चलेगा, इसमें कहीं ना कहीं वीडियो को जिम्मेदारी लेनी होगी, सचिव को जिम्मेदारी लेनी होगी और ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि इन सबकी जानकारी में ये कार्य हुआ है। आपको दिखाते हैं अभी कि किस तरह से जो टाइलें हैं यहाँ पे, जो टाइल्स लगी हैं वो टूटना शुरू हो गई हैं। किस दर्जे की टाइल्स का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। बैक कैमरे से आपको दिखा देंगे, चाहेंगे कि दिखा दे जरा कैमरा में कि ये देखिए किस तरह की साफ सफाई, पूरा झाड़ झंकाड़ है यहाँ, इसी तरह की साफ सफाई है। और एक बार और ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा और पास आ जाए, ये देखिए पूरा फर्श जो है वो टूटा हुआ है, दिखा दे आपको पूरा फर्श देखिए बैठ चुका है। इस तरह का विकास कार्य चल रहा है। इसी ग्राम सभा के निवासी हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? कमलेश्वर पांडे। क्या स्थिति है यहाँ, आते हैं लोग? लोग आते हैं लेकिन इस तरीके देखते हैं टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, पूरा फर्श टूटा हुआ है। पंचायत सहायक आते हैं कि नहीं? आते हैं लेकिन वो 4 बजे चली जाते, फिर दोबारा नहीं आते। यहाँ सब कुछ देखते हैं क्या कैसे रहेंगे। कितना घंटे रहते होंगे आपके हिसाब से? अरे मुश्किल से 1.5 घंटा रहते हैं बस। बस कितना रहते हैं? 2 घंटे रहते हैं। इसी ग्राम सभा के निवासी हैं? हाँ। क्या नाम है? इनका नाम तो नहीं पता है फिलहाल हमको, हम तो नहीं है। मेरा नाम सत्यम पांडे है, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई को कोई व्यवस्था ही नहीं रहता, वो लोग आती है गेस्ट रूम जाके बैठ जाते। पंचायत सहायक आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। उनका कहना है कि जो सुविधाएं आवश्यक हैं वो उनको नहीं मिल पाई हैं, जिससे वो लोगों को लाभ दे पाए। अंतर राजेंद्र कैमरा में देखिए, ये पंचायत भवन की स्थिति है। हम आपको दिखा दें, जाले लगे हुए हैं, और अंदर आ जाएं थोड़ा, ये काम दिखा दें, ये जो ये तार वगैरह खुले हुए हैं। पंचायत भवन की जो स्थिति है, ऐसे में कौन पंचायत सहायक यहाँ बैठना चाहेगा? पंचायत सहायक हमारे साथ मौजूद है इसमें, क्या ये सिस्टम काम कर रहा है यहाँ जो रखा हुआ है? नहीं। क्यों नहीं काम कर रहा? कोई रीजन नहीं है। 1 साल हो गया बनवाने के लिए, ले गए अभी तक ले नहीं आए। बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं पैसा लगे, दे दीजिए तब हम लेके आए। पैसा आपसे मांग रहे हैं? यस। और मतलब ये सिस्टम काम नहीं कर रहा? नहीं। वाईफाई की सुविधा है? नहीं। रिचार्ज भी नहीं है? नहीं। रिचार्ज हम अपने मोबाइल से चलाते, अपने मोबाइल से चलाते हैं। ये सोचिए अब अपने पैसे से करते हैं। प्रिंटर बनवाए थे, खाली लेके आए और हम अपने पैसे से सेट करवाए, 250 रुपए अपने पैसे से दिए। सोचिए जरा, हम पंचायत भवनों पे जा रहे हैं, जो भी पंचायत सहायक हमारी ये खबर देख रहे हो वो पंचायत भवनों पे मौजूद रहे हैं। हम बारी बारी से सभी पंचायत भवनों पे पहुंचेंगे और उनकी भी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। पंचायत सहायक पंचायत भवन पे नहीं बैठते हैं। जब हम खबर चलाते हैं तो कमेंट में लिखते हैं कि हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं इसलिए हम नहीं बैठ रहे हैं। अगर पंचायत सहायकों को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो फिर वो उसका लाभ कैसे दे पाएंगे? तो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधानों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और ऐसे ग्राम प्रधानों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से पंचायत भवन का जो फर्श है वो धसता चला जा रहा है, किस तरह का कार्य हुआ है, कितना भ्रष्टाचार है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी और कैसे योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाएगा? तो पंचायत सहायक यहाँ मौजूद है, इन्होंने बताया कि हम आते हैं। हमें ये पता चला कि चूंकि हम आए तो गेट बंद था, हमने इनसे संपर्क साधा, इन्होंने बताया कि हम आते हैं लेकिन जब कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा यहाँ पर तो हम किससे शिकायत करें? और मैं जनपद के और ब्लॉक के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, सचिव क्या कर रहे हैं इसमें, ब्लॉक के अधिकारी, वीडियो क्या कर रहे हैं, एडीओ क्या कर रहे हैं,
क्या उनको ये फीडबैक नहीं लेना चाहिए? अगर इस तरह से योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा और अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ करके कार्रवाई करेंगे, तो फिर जो शासन की मंशा है कि जन जन तक विकास पहुंचे, वो केवल कागजों तक सीमित रहेगा, वो कभी संभव नहीं हो पाएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज, मैं हूं दीपक मिश्रा।